श्री साई सेवा संकल्प प्रतिष्ठान की ओर से महाकाली मंदिर परिसर में प्याऊ का उद्घाटन उपमहापौर राहुल पावड़े के हाथों किया गया। इस मौके पर अन्य मान्यवरों के साथ श्री साई सेवा संकल्प प्रतिष्ठान के सेवकों की भी उपस्थिति थी। तो चलिए नजर डालते इस खबर पर। सेवा में साई है, यह श्री साई सेवा संकल्प प्रतिष्ठान का बृहद वाक्य है और यह प्रतिष्ठान बीते लगभग 4 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। और वहीं इस वर्ष कोरोना काल के बाद एक बार फिर चंद्रपुर की एवं विश्व की देवत आदि शक्ति माता महाकाली की यात्रा शुरू होने से बड़ी संख्या में माता महाकाली के दर्शन के लिए भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और भक्तों को ठंडा शुद्ध पीने का पानी मिले, इसी के तहत प्रतिष्ठान की ओर से गुड़ी पाड़वा के पावन पर्व पर माता महाकाली मंदिर के सामने पान पोई की शुरुआत की गई। इस मौके पर मनपा के उप महापौर राहुल पावड़े के हाथों इसका उद्घाटन किया गया। साथ ही प्रमुख उपस्थिति में अभिषेक राय, विकास अधिकारी भारतीय जीवन बीमा निगम अशोक कोटकर, अध्यक्ष साई मंदिर भिवापुर वार्ड भी मौजूद थे। वहीं इस दौरान उपस्थितों को संबोधित करते हुए उप महापौर राहुल पावड़े ने कहा कि प्रतिष्ठान को प्रत्येक उपक्रम के लिए यथाशक्ति तन मन धन से सहकार करने की बात उन्होंने कही। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठान के अध्यक्ष सचिन गाटकी ने सह सचिव विनोद गुवार दिवे, प्रतीक लाड, कुणाल खनके, भागवत खटी, सचिन बरबटकर, पंकज नागरकर, प्रदीप रणदिवे, रूपेश महाडोड़े, भास्कर डांगे, सुरेश सातपुते, पंकज निमजे, अमोल जेवाड़कर, आशा यादव, पूनम नवले, सुरेखा संतोषवार, ऋचा निमजे, माधुरी संगीडवार, मंजिषा धाई, अनुरुद्ध यादव, आराध्या गटकीने, दत्तात्रेय झुलकंटीवार, जितेंद्र इजगेवार, जितेंद्र इजगिरवार आदि की उपस्थिति थी। कार्यक्रम का संचालन पंकज निमजे ने किया, वही आभार प्रदर्शन आशा यादव ने किया। वही इस पानपोई के संबंध में अध्यक्ष सचिन गाटकीने ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। ओम साईराम। श्री साई सेवा संकल्प प्रतिष्ठान या माता महाकालीच्या नगरीमध्ये सर्व महाकाली भक्तांचं स्वागत करत आहे। दरवर्षी चंद्रपूर हा उन्हाच्या तापमानामध्ये दरवर्षी हा रेकॉर्ड ब्रेक करून राहिलेला आहे। अशा या उन्हाच्या तापमानामध्ये माता महाकालीचे भक्त आंध्रातून, महाराष्ट्रातून, प्रामुख्याने नांदेड मराठवाड्यातून येत असतात। अशा वेळेस या आकाशी लाही लाही करणाऱ्या उन्हामध्ये त्यांच्यासाठी काही प्रतिष्ठानतर्फे सेवा घडावी या उद्देशानं दरवर्षी प्रतिष्ठान चैत्र पौर्णिमेला हनुमान जयंती या दिवशी एक जलसेवा अर्पण करायची, पण एका दिवसांनी जलसेवा करून भागत नाही या अनुषंगाने त्यांच्यासाठी कायमस्वरूपी सेवा व्हावी यात्रेचं निमित्त साधून। आणि जर उन्हाळ्याभर हे भक्त इथे येत असतात चंद्रपूर नगरीमध्ये तर त्यांच्याकरता कायमस्वरूपी पाण्याच्या सोयी करता आज प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून ही पाणपोई उभारण्यात आलेली आहे। आणि ही माता महाकालीच्या या भक्तांना त्यांचा लाभ व्हावा, त्यांची तृष्णा भागावी हा उपक्रम घेऊन श्री साई सेवा संकल्प प्रतिष्ठान आज या उपक्रमाला सुरुवात करत आहे। सर्व साई भक्तांची याला योगदान लाभले आहे आणि उपमहापौर माननीय राहुल भाऊ गावडे यांची उपस्थिती लाभली आणि सगळं सेवक उपस्थित झाले, त्याबद्दल सगळ्यांचे आभार, धन्यवाद।